हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. वंस अगेन दिस इज नरेश सर हियर विद टुडेज लेक्चर. सो टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट द रीडिंग ऑफ योर सेकंड चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ. तो बेटा पहले मैंने आप लोगों को जो पिछले दो लेक्चर में इनकी रीडिंग करवाई थी, जो पहले हमारे चार पेजेस थे, ठीक है. तो उसके बाद अब नेक्स्ट देखो. It back together again into something new. The telegraphic blinded him. तो जैसे हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जो लास्ट पैराग्राफ था. तो जैसे रेफर्टी कहता कि क्या जो एलियंस है वो क्या मेरे से बात करेंगे, क्या मेरे बारे में सोचेंगे. तो मिसिज अल्साब उसको बोलते हैं कि आपको उनसे बात करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो फिंगर है उसको रेज करनी पड़ेगी. और वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता, अपनी फिंगर रेज करता है. और जैसे वो फिंगर रेज करता है तो जो एलियंस में जो वीमेन होती है वो क्या करती है कि अपना एंटीना उठाती है और उसके आइज़ के बीच में, फोरहेड के बीच में रख देती है. और जैसे रखती है तो उसको मतलब कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो जो लोग हैं वो कैसे रबड़ के बने हुए हैं, उनको ट्विस्ट करके कोई शेप दी हुई है, ठीक है. इट्स बैक टुगेदर अगेन इनटू समथिंग न्यू, कि जैसे कोई नई चीज़ हमने उनको ट्विस्ट करके बना दिया है. द टेरर ऑफ इट ब्लाइंडेड हिम, और कहता वो इतना ज़्यादा डर जाता कि जैसे मतलब कोई आदमी अंधा नहीं हो जाता, तो मैं डर के कारण से अंधा सा हो जाता, उसको कुछ नहीं दिख रहा होता. ही वॉज फ्लाइंग थ्रू स्पेस, और उसको लग रहा होता है कि वो स्पेस में उड़ रहा है. थ्रू ए ग्रेट वाइट बर्ड, वाइट बर्ड का मीनिंग वाइट होगा, वाइट कलर की चीज़ होती है, वाइट का मीनिंग स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस, जहाँ पर उसको लग रहा है कि जैसे वो कोई एम्प्टी स्पेस में है. स्टार्स एंड मेट्राइज विस्ट बाई, और कहते हैं स्टार्स और मेट्राइज उसके पास से गुजर रहे हैं. एंड ए ग्रेट स्टार डेजलिंग विद बिलियंस, और कहता मतलब कि बड़ा सा स्टार अपने लाइट के कारण ब्रिज के कारण उसके पास से गुजर रहे हैं, मेट्राइज गुजर रहे हैं. वाइट एंड स्पार्कलिंग स्टूड देयर इन हिज माइंड दैन इट वेंट आउट, मतलब ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आ रही थी जैसे उसने एंटीना उसके माथे पर रखा होता है. रेफर्स माइंड वाज रिलीज्ड बट ही फाउंड हिमसेल्फ ट्रेम्बलिंग क्लचिंग द डोर फेसिंग्स, और मीन्स के जैसे वो अपना एंटीना हटाती है वहाँ से, ठीक है, तो रेफर्टी का माइंड रिलीज हो जाता है और वो अपने आप कैसे फाइंड करता है, वो डर के कारण टेरर का ऐसे कांप रहा होता है. क्लचिंग द डोर फेसिंग्स, और कहते जो डोर फेसिंग्स होती हैं, डोर के फ्रंट वाला पार्ट उसने जोर से उसको कस के पकड़ के रखा होता है, वो इतना ज़्यादा घबरा गया होता है. मिस्टर अल्साफ ही सेड, मिस्टर अल्साफ दिस इज नॉट, दिस इज़ ऑन द लेवल, मतलब उसका दिस इज़ ऑन द लेवल का मैंने कहता कि ये स्टोरी ट्रू है, ये फ्रॉड नहीं है. दीज क्रिएचर्स आर रियली फ्रॉम आउट देयर इन द स्पेस समवेयर, और कहते हैं शायद जो क्रिएचर शायद किसी स्पेस में किसी जगह से आए हुए हैं. मिस्टर अल्साफ सेट श्योर दे काम में लॉन्ग वे, कहता है वो काफ़ी लॉन्ग वे से आए हैं. डू यू नो वट दिस मीन, कहता है इसका मतलब क्या है. रेफर्टी उनको कहता है, रेफर्टी हर्ड हिज वॉइस बिकम हिस्टेरिकल, और उसकी वॉइस जो मतलब ऐसे चिल्ला के बोलता है. एंड ही ट्राई टू पिट काम, फिर वो क्या करता है तो अपनी आवाज़ को थोड़ा शांत करता है. डू यू नो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और कहता है ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दुनिया में होने जा रही है, हिस्ट्री में होने जा रही है, मैंने एलियंस देखे हैं. डू यू नो दिस, येस इट इज़ द बिगेस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड, और कहता है दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है. एंड इट हैज़ हैपनिंग टू मी, डू यू अंडरस्टैंड, और कहता है मेरे साथ हो रही है कि मैंने एलियंस देखे हैं, आप समझते हो. रेफर्टी वाज जेलिंग विद योर फोन, वो चिल्ला के बोलता है, शोट करता है, जेलिंग तो चिल्लाना, तो कहता वेयर इज योर फोन, कहता मुझे आपका फ़ोन चाहिए, फ़ोन कहाँ पे है. वी डोंट हैव ए फोन टेलीफोन, मिस्टर सॉफ्ट, कहता हमारे पास टेलीफोन नहीं है. देर इज़ वन डाउन एट द फिलिंग स्टेशन, कहता वहाँ पे एक फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ये फ़ोन है. बट दीज पीपल आर गोइंग टू इन फ्यू मिनट्स, कहता ये लोग कुछ ही मिनटों में यहाँ से जाने वाले हैं. वाई डोंट यू वेट एंड सी दम अप, और कहता वेट क्यों नहीं करते, उनको जाते हुए क्यों नहीं देखते. ऑलरेडी गॉट देयर एक्स एंड रूडर एंड फीड ऑन बोर्ड, और कहता ऑलरेडी मतलब कि हमने जो इनकी स्पेसशिप है उसके ऊपर हमने एक्स रख दिए हैं, ब्रूडर रख दिए हैं और फीड रख दिए, और ये चले जाएंगे. नो रेफर्टी गैस, वो अपने आप से बात करता है कि उनको नहीं जाना चाहिए, दे कांट गो इन फ्यू मिनट्स, कहता कुछ मिनटों में नहीं जाना चाहिए. लिसन आई हैव गॉट टू फोन, कहता मुझे फ़ोन चाहिए, आई हैव गॉट टू फोन गेट ए फोटोग्राफर, फिर कहता मुझे फोटोग्राफर को बुलाना, मैंने फोटोग्राफर चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए. मिसेल सब स्माइल, वेल मिसेल रेफर्टी, वी ट्राई टू
get them to stay over the supper, but they have to go at certain time. वो कहती है कि हमने मिसेज साहब उसको जवाब दी थी, स्माइल करती कहती है हमने उनको कोशिश की थी स्टे करने के लिए, रोकने के लिए कि जे सफ़र के लिए रुके, मीन्स के डिनर के लिए रुकें कुछ समय के लिए, बट उनको कोई फिक्स टाइम आ गया किसी चीज़ को पकड़ना और उनको जाना है, दे हैव टू कैच द टाइड और समथिंग लाइक दैट। और कहते शायद उनको टाइड को पकड़ना या कुछ ऐसी चीज़ पकड़नी है तो उनको जाना है, दे विल गो। इट इज़ द मून, मिस्टर अल्साफ सेड विद अथॉरिटी, वो मतलब बड़े अपने अथॉरिटी सर कहता है मून अपने राइट प्लेस पे आ गया है। इट इज़ समथिंग अबाउट द मून बीइंग द राइट प्लेस, और अब उनको वो जाना ही जाना है, उनको शायद उनको म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा मून के साथ, तो उनकी कोई वेव्स म्यूचुअल होगी होंगी, तो कहते हैं हमें जाने जाना है। द पीपल फ्रॉम द स्पेस सेट द डिमोली, वो मतलब कि बड़ा वेल बिहेव डिमोली ना, बड़े ध्यान से बड़ा वेल मैनर से वो बैठे हुए थे। देयर क्लास फोल्ड देयर लैप्स, और वो अपने जो क्लास थे अपने लैप्स में फोल्ड कर रहे थे। देयर डिनर नीटली कर्ल्ड शो दे वर नॉट किप्स ड्रॉपिंग ऑन अदर पीपल्स माइंड, और वो ऐसे शो कर रहे थे जैसे वो उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हों, और वो शायद उनका माइंड पढ़ लिया हो, लेकिन वो क्या करते हैं अपने में बिजी रहते हैं, अपने मस्त रहते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। रेफ्टी लुक्ड फ्रेंटिकली अराउंड द रूम, वो मतलब कि सब पागलों की तरह कभी रूम में उधर भागता कभी उधर भागता रेफ्टी। लिसन अल्साफ, रेफ्टी जाली कहता यू गॉट ए कैमरा, फिर उसको जला के बोलता है क्या तुम्हारे पास कैमरा है, आई गॉट टू हैव ए कैमरा, कहता मुझे कैमरा चाहिए। ओ श्योर मिस्टर अल्साफ आई गॉट टू फाइन कैमरा, कहते मेरे पास अच्छा कैमरा है, इट इज़ बॉक्स कैमरा बट इट टेक्स गुड पिक्चर्स, कहते एक अच्छा कैमरा है लेकिन अच्छी पिक्चर लेता है, आई वांट द कैमरा, कहता मुझे कैमरा चाहिए। मिस्टर साहब वेंट इनटू द पार्लर एंड डेफिनेटली कुड सी हिम फंबलिंग अराउंड, तो मिस्टर साहब क्या करता है जो पार्लर में रहता है, मीन्स कि यहाँ पर भी नहीं होंगे ड्राइंग रूम कह सकते हो, ठीक है, जब लेडी रूम कैसे तो वहाँ पे जाता है और रेफ्टी कुड सी, रेफ्टी उसको मतलब कैमरा सर्च करते हुए देखता है, फंबलिंग होता है सर्च करना। मिस्टर साहब्स वॉइस केम फ्रॉम द पार्लर, इथन यू सीन माय कैमरा, तो मिस्टर साहब अपनी वाइफ को कहता है कि क्या आपने कैमरा देखा। मिस्टर साहब साइड आई नो आई हैवंट यू पुट इट अप, कहते मेरे पास नहीं है और ये कैमरा आपने रखा था। ओनली ट्रबल इज मिस्टर साहब सेड हैवन गॉट एनी फिल्म ऑलरेडी, और कहता है सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इसमें फिल्म ही नहीं जिससे हम उनकी फोटो वगैरह ले सकते हैं। सडनली द पीपल फ्रॉम आउटर स्पेस टर्न द एंटीना टूवर्ड्स ईच अदर फॉर ए सेकेंड, कहता है जो पीपल स्पेसशिप से आए थे जो एलियन आए थे उन्होंने क्या किया, अपने जो एंटीना थे एक दूसरे की तरफ बेंट किए और अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, एंड अपेरेंटली कमिंग टू ए म्यूचुअल एग्रीमेंट गॉट अप, और उठे एंड डॉटेड हियर एंड देयर, डॉटेड तेजी से भागना रूम में एकदम से, कभी उधर भागते बड़ी फास्टली वो भागते हैं, सो फास्ट रेफ्टी कुड स्कॉट दी सी दम, और कहता है इतनी तेजी से कि हार्डली जो रेफ्टी उनको देख पाता है। दिस कटेड आउट द डोर ऑफ टूर्स पार, और कहता वो एकदम से उस जो वॉल का खाली खेत का जो दरवाजा है उसके दरवाजे से एकदम से वो वहाँ से चले जाते हैं स्पेसशिप में। रेफ्टी रश टू द डोर स्ट्रीमिंग एट द क्रीचर्स टू स्टॉप, रेफ्टी उनके पीछे भागता और चलाता है कहता रुको, बट बिफोर ही वाज ऑफ वे टू द बार, अभी वो मतलब खेत के आधे में था, द ग्लीमिंग प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन स्लाइड आउट ऑफ द बार एंड डिस्प्यूट इन टू द लो हैंगिंग क्लोथ्स, और कहता जो स्पेसशिप थी जो कंस्ट्रक्शन थी जो डिवाइस थी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एकदम से हैंगिंग क्लोथ्स में चली जाती, बादलों में चली जाती है। All there was left for Rafferty to see was a steaming place in the mud. और कहता है Rafferty के लिए क्या बचाता है, वहाँ पर वो जला हुआ प्लेस मड में, मड होता कीचड़ जहाँ पर स्पेसशिप गिरी होती है, एंड ए लिटिल सर्कल ऑफ वर्ल्ड अर्थ, और जितनी जगह पर स्पेसशिप गिरी होती है उतना तो वहाँ जगह जल गई होती है, बस बोन शान वहाँ पर रह जाता है। Rafferty सेट डाउन इन द मड, और वो कहता है मड होता कीचड़, वो कीचड़ में बैठ जाता है खाली जगह पर, एम्प्टी फीलिंग इन इज मिडल दैट द ग्रेटेस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड हैज़ गॉन ऑफ इन टू द स्काई, और क्या कहते दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टोरी है दोबारा वहाँ पे स्पेसशिप में चली गई है। सडनली रेफ्टी गॉट टू स्पीड एंड शुक हिज हेड, तो फिर एकदम से वहाँ से उठता है और अपना सिर हिलाता है, ही स्टूड स्टिल इन द मड, अभी मड में ही होता है, हिज आइज़ नैरो, उसकी आंखें तंग रह जाती हैं। अल्सो ही सेड डिड दोज पीपल पे फॉर दोज एग्स, कहता कि जो लोग थे क्या उन्होंने जो वहाँ से एग्स लाए थे क्या उसके बदले में कुछ ना कुछ दिया। मिस्टर साहब आर स्टैंडिंग ऑन ए चेयर इन फ्रंट ऑफ द चाइना क्लोज़ेट, मिस्टर रेफ्टी वहाँ पे बैठा होता है ठीक है रूम में, स्टिल हंटिंग फॉर द कैमरा, अभी तक भी वो कैमरे को ढूंढ रहा होता है।
अश्योर ही सेट इन द वे दे डिड इट, कहता हाँ बिल्कुल, लेट मी सी द मनी, रेफरी डिमांड, रेफरी से होता क्या उन्होंने एक्स के बदले शायद पैसे दिए हैं, उन्होंने नॉट इन मनी मिस्टर सबसेट दे डोंट हैव एनी मनी, कहता उन्होंने हमें कोई पैसे नहीं दिए, उनके पास कोई भी पैसे नहीं थे, बट व्हेन दे हियर सिक्स इयर्स एगो दे ब्रॉट अस सम एग्स ऑफ देयर ओन इंटर, और कहता आज से 6 साल पहले वो जहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपने तरीके के यहाँ पे अंडे लाए थे। रेफरी स्टार्ट एक्स बट काइंड ऑफ एक्स, रेफरी पूछता है कि कौन से टाइप के एक्स, मिशल सॉप चक्कल चक्कल था हंसना, वो उस पर हंसता है, वी कॉल दम स्टारडक्स, कहता हमने उनको नाम दिया स्टारडक्स जो स्टोरी का टाइटल है। द एक्स वर स्टार शेप्ड एंड यू नो वी सेट देम अंडर ए हैन एंड स्टार पॉइंट्स बॉदर द हैन समथिंग ऑफ, और कहता कि वो अंडे हमने उस हैंस के नीचे रखे ताकि वो उनको टेम्परेचर दे और वो उनसे चिक्स पैदा हों, और कहता वो काफ़ी ड्रावे थे उनसे वो हैन डर गए। ही क्लाइम डाउन द फ्रॉम द चेयर, वो चेयर से उतरता है। द स्टारडक्स आर नॉट मच गुड दो, कहता वो स्टारडक्स वो नहीं है, दे लुक समथिंग लाइक ए हिप्पोपोटमस एंड समथिंग लाइक ए स्वेलो, और कहता उनसे जो क्रिएचर पैदा किया हिप्पोपोटमस की तरह और स्वेलो की तरह, बट दे गॉट सिक्स लेग्स, और कहता है कि उनकी 6 लेग्स थे, ओनली 2 ऑफ देम लिव्ड वी एट देम फॉर थैंक्सगिविंग, और कहता उनके से 2 बच्चे थे और हमने उनका थैंक्स करने के लिए उनको भी हमने खा दिया। रेफरी लीन क्लोज मिस्टर साहब ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड यू वुडंट नो वेयर द स्केलेटन्स ऑफ द स्टारडक्स आर, वो उसके पास में पूछता कहता है कि जो स्टारडक्स थे उसके कान पूछता कहता है उनके स्केलेटन्स कहाँ पे हैं, मतलब जो आपने क्रिएचर खा दिए उनकी कुछ नहीं हड्डियों मुझे कहाँ पे हैं वो। मिस्टर साहब पजल उसको हैरान उसको समझ नहीं आती, यू मीन द बोन्स, फिर कहता क्या बोन्स, कहते यस वी गिव द बोन्स टू द डॉग, और कहता वो हड्डियाँ हमने कुत्ते को डाल दी थी, तो दैट वॉज 5 ईयर्स है, वो कहता वो 5 साल पुरानी बात है, इवन द डॉग्स डेड नाउ, और कहता वो डॉग्स की डेथ हो चुकी है, आई नो वेयर दिस बोन्स आर, और कहता वो तो बोन्स कुछ नहीं पता नहीं कहाँ चली गई। तो रेफरी पिक्ड अप हिज हैट लाइक ए मैन इन डेज, वो हैरान परेशान होकर क्या करता अपनी हैट उठाता है एंड वॉक डाउन टू द नाइट, और वहीं से रात में वापस चला आने लगता है, वापस आने लगता है। मिस्टर साहब ओपन द डोर एंड केम बीपिंग अप द डस्ट ऑफ बैक बॉक्स कैमरा, और इतनी देर में मिस्टर साहब क्या करता कैमरा लेके आ जाता है उसकी जो बॉक्स कैमरा से धूल साफ करता अपनी स्लीप से, ओ मिस्टर रेफरी सेड आई वांट द कैमरा, और कहता कि मुझे कैमरा मिल गया, कहता हूँ क्या करो कैमरा अपने पास ही रखो और अपनी फोटो दोनों में मुझे नहीं चाहिए। ठीक है तो बेटा ये आज आप लोगों की रीडिंग कंप्लीट हो गई है, तो अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस स्केच वगैरह पढ़ा दूँगा। ठीक है तो आई होप यू विल गेट इट, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।